हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि नेक्स्ट 12 आवर्स आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहने वाली है, और मोस्टली नेक्स्ट 12 आवर्स का हम देखेंगे। ठीक है, जनरल टाइमलेस रीडिंग रहेगा। और गाइस, एक चीज़ है कि बहुत सारे लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। मुझे कई सब्सक्राइबर्स, पर्सनल रीडिंग जो लोग लेते हैं, उन्होंने कल बोला है आई थिंक कुछ इशू हुआ है। अगर नोटिफिकेशन बेल जो है वो ऑन है, फिर भी आप एक बार कर सकते हो नोटिफिकेशन। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको करना है। चैनल पे आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद ये है चैनल, आप देख सकते हो। तो सब्सक्राइब आपने बहुत सारे लोगों में से किया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है कर लो। बेल आइकन को प्रेस करके आपको रखना है ऑल पे। ठीक है, ये बेल आइकन है, इसको ऑल पे प्रेस करके रखना है। जिन लोगों ने किया है इस तरीके से बट स्टिल उनको नोटिस नहीं जा रहा है, तो अगेन उसको नन पे करना है, अगेन फिर ऑल पे करना है, फिर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो डेफिनेटली आप ये करो तो जिस तरीके से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके। नेक्स्ट 12 आवर्स आपके पर्सन के अंदर क्या फीलिंग्स रहने वाली है इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए? ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा। बहुत सारा ड्रामा होने वाला है। ठीक है, 12 घंटे के अंदर बहुत सारा ड्रामा, जैसे कि आप अगर उनको क्लियरली रिजेक्ट करने लगे कि तुमने ये सब किया था और इस चीज़ की वजह से मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, ये पर्सन उस रिजेक्शन को या फिर आपने उनकी कोई गलती को पॉइंट आउट करेंगे, तो ये उस चीज़ को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनके अंदर मुझे वो मैच्योरिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, काफ़ी सारी फाइटिंग्स हो सकती है। अगर आप कुछ भी उनकी गलती को पॉइंट आउट करेंगे, कुछ भी उनको बोलेंगे, तो काफ़ी सारी बातें जो हैं वो आपको ऐसा ऐसा बोलेंगे कि आपको पसंद नहीं होगा। वो आपकी गलती शो करने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव रीडिंग नहीं दे रही हूँ मैं, प्रैक्टिकल रीडिंग देती हूँ जो प्रैक्टिकल होता है। सपोज आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और मैं बोलूँगी कि वो आके आपसे बिल्कुल प्यार से बात करेंगे, वो बहुत रेयर केसेस में होता है। मगर अगर कोई आप में से गुस्सा है, तो अगर वो खुद गुस्सा होके गए हैं, वो थोड़ी आके प्यार से बात करेंगे। पहले वो उस गुस्से को क्लियर करेंगे या फिर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्लियर करेंगे। तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल चीज़ें सोचिए। जो लोग मीठी मीठी बातें शुगर कोट करके बोलते हैं, मैं वैसा नहीं बोलती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा होने वाला है। और अगर आपकी बात होती है तो बहुत संभाल के बात करो। कोई चीज़ को लेके फाइटिंग हो सकती है। ठीक है, वैसे भी बॉटम में 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस का। तो लाइक बहुत, एक मैं बोल सकती हूँ, नाजुक समय, नाजुक पड़ाव आने वाला है नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर। थोड़ा सा इधर उधर की बातें करोगे, थोड़ा सा चीज़ें चूक जाओगे, तो रिश्ता टूटने का भी हमेशा के लिए डर रहेगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा सोच समझ के आप भी बात करो, वो भी थोड़ा सा सोच समझ के बात करें। बट इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि ऑलवेज अ क्लियर रिजेक्शन इज गुड, बेटर देन ए फेक प्रॉमिस। ठीक है, इन्होंने अगर आपको कोई, हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने की कोशिश करो। इन्होंने अगर आपको कोई फेक प्रॉमिस नहीं किया है, तो वो अच्छी बात है। क्या ज़रूरत है कोई फेक प्रॉमिस करने का? रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो सच बोल दो। तो कम से कम इन्होंने आपको झूठ प्यार दिखा के वो तो नहीं किया है ना, जिससे आप तकलीफ आपको ज़्यादा होगा बाद में। तो हर एक चीज़ की एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होती है, मतलब आप किस तरीके से सोचते हो वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 ऑफ कप, सैडनेस। आपको आपके साथ जो किया है उस चीज़ के लिए, और आपको अगर कुछ बोलेंगे उस चीज़ के लिए, वैसे तो उनको बड़ा दुख होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको कोई दुख नहीं होगा, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। उनकी बातों का उनके ऊपर काफ़ी असर होने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे और एक चीज़ समझेंगे भी कि लाइक मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, या फिर मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ जिससे कुछ भी गलती नहीं हुआ है। मोस्टली मुझसे गलती हुआ है,
और हो रहा है, और इसी वजह से जो है वो अपनी गलती समझेंगे। ठीक है, वैसे चीजें ये हो रही थी कि वो अपने आप को अच्छा समझ रहे थे, या फिर वो सोच रहे थे कि मैं जो भी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, बट आने वाले 12 घंटे के अंदर ये सैडनेस देख के मुझे यही लग रहा है कि वो उनके जो शेड्स है, जो नेगेटिव शेड्स है उनकी, जो नेगेटिव फेस है, ठीक है, उस चीज को वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे, उस चीज को वो कहीं ना कहीं समझेंगे कि हाँ मुझसे ये गलती हुआ है। ठीक है, देखो अगले 12 घंटों के अंदर ऐसा होता है ना, लोगों का एक बॉडी लैंग्वेज होता है, हर एक इंसान जिससे आप बात करते हो उसका फेस देख के, उसका बॉडी लैंग्वेज देख के आपको पता चल जाता होगा कि ये किस टाइप का इंसान है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि अगर आप दोनों मिलोगे या फिर फोटोज भी देखोगे, वो आपका फोटोज वगैरह देख के जान जाएंगे कि आप कौन सी सिचुएशन में हो, आप कोई वीडियो डालते हो या फिर आपकी बात करने के तरीका से ही वो जान पाएंगे आप किस किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, किस दौर से गुजर रहे हो, आपको किस चीज़ का तकलीफ हो रहा है। इवन अगर आप भी उनको देखोगे, सैडनेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो एक जो चीज़ आप दोनों के बीच में नेगेटिव हुई है, खराब हुई है, उस चीज़ की वजह से उनको भी डीप डाउन एक तकलीफ, डीप डाउन एक फीलिंग्स वो नेगेटिविटी का आएंगे, और आप भी उनको देख के जान पाओगे। ठीक है, आप समझ पाओगे कि हाँ ये चल रहा है इस इंसान के अंदर, इसको ये तकलीफ हो रही है या फिर इसको ये टाइप का परेशानी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक दुख रहेगा, एक खेद रहेगा इस पर्सन के दिल के अंदर, और आप उनको देखोगे तो जान पाओगे। ठीक है, हमेशा जो चुप रहता है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, वो बहुत काम माइंड का पर्सन है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग चुप होते हैं क्योंकि उनको अपना दुख या फिर उनको जो उन्होंने किया है, जो बुरा लगता है उनको चीजें, वो बोलना पसंद नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो उनको फील होगा कि अपना घाव खुद ही कुरेद रहे हैं। तो अगर ये आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपना घाव खुद कुरेद रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर बोलेंगे तो उनको ये फील होगा, तो इसीलिए चुप है कि क्यों खुद को बोल के तकलीफ खुद ही को ही देना है, क्योंकि गलती तो मेरे से हुआ है। और एक चीज़ है कि चुप्पी में भी बहुत सारी चीज़ें समझा जाता है। आप अगर अभी चुप हो तो इसका मतलब क्या है कि आप थक चुके हो, आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हो। तो उसी तरीके से ये आपके जो है पार्टनर भी हैं, वो अगर चुप है तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, या फिर वो इतने अच्छे नहीं है कि वो आके आपको डायरेक्टली माफी मांग सके या फिर कुछ बोल सके। ठीक है, तो हमेशा चुप रहने का मतलब ये नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास दो कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, अक्वेरियस एनर्जी है, होप। सारी चीज होने के बाद देखो, क्योंकि फीलिंग्स है, एक चीज तो दिमाग में आएगी नहीं, 10 चीजें आएगी और हमें 10 चीज पढ़नी है, देखनी है। तो स्टार कार्ड के साथ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप होपलेस हो सकते हो, बट आपके पर्सन नहीं। इतना सब कुछ फाइटिंग दिमाग में होने के बाद भी, इतना सब कुछ चीज होने के बाद भी ये पर्सन आपसे एक चांस चाहते हैं। ठीक है, और एक चीज है कि आपको कभी भी अपना जो खुशी है ना, उसको सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है इस पर्सन के लिए। ट्रस्ट मी, अगर कोई पर्सन सही है, वो आपको अपने आप खुश करने लगेगा, आपकी खुशी के लिए वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। ठीक है, आप एडजस्ट करो, आपका प्यार है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करो, कोई मना नहीं कर रहा है, बट एक चीज ये भी होता है कि बार बार मन मारोगे इस इंसान के लिए, आपका मन ही मर जाएगा, और बाद में ये जो बिहेव जैसा कर रहे हैं आप, उस दुख से उभर भी नहीं पाओगे। तो आपके पर्सन बेसिकली एक, इनके अंदर एक भी एक होप है कि आप अपने लाइफ को जियोगे, और आप अपने लाइफ को जी रहे हो, ये इसी होप के साथ है। उनको लग रहा है कि चलो मैंने जो किया सो किया, पर तुम अपना लाइफ कम से कम अच्छे से जियो या फिर जी रहे हो। ठीक है, और बाकी रहा इस रिश्ते को लेके, वो इस रिश्ते को लेके मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, या फिर थोड़ा सा वो उनका नेचर किस तरीके से है, तो थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक चीज है, आपके पर्सन जो है
पहले वो खुद को सही समझते थे, अब वो खुद को सही नहीं समझते हैं। बट एक चीज ये है कि वो अगर खुद को गलत समझते हैं ना कि हाँ मैंने ये गलती किया है, वो उस चीज के लिए खुद को जैसे ना प्रूव नहीं करना चाहते कि मैंने ये गलती किया है मुझे माफ कर दो। वो चाहते हैं वे बिना बोले आप उनको माफ कर दो, ठीक है। लाइक अपनी गलतियों के लिए जस्टिफाई वो चीजों को नहीं करना चाहते। हाँ मुझसे गलती हो गई, ये मुझे भी पता है तुम्हें भी पता है, चलो माफ करो आगे बढ़ो, इस तरीके से मुझे दिख रहा है, ठीक है। सबकॉन्सियस माइंड में आप उनके फिट हो चुके हो, वो कुछ भी करते हैं आप एक बार उनके दिमाग में आते जरूर हो, या फिर आपके ख्याल आपकी बातें आता जरूर है। अगर इवन आपको ब्लॉक भी किया है, जब भी व्हाट्सएप खोलते हैं उनको याद आता है उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। अगर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं उनको याद आता है कि आपने एक मैसेज डाला था और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। वो चाहे सोचे ना सोचे उनके सबकॉन्सियस माइंड में ये सारी चीजें जो है वो फिट होके बैठी हुई है, तो उनको सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारे चीज आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द फूल का कार्ड है, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर कुछ भी इनसे पूछने की कोशिश करोगे, ये हर चीज को मुझे टालते हुए दिख रहे हैं। कोई भी गलती का आंसर मांगने की कोशिश करोगे, वो हंस के टालने की कोशिश करेंगे चीजों को, ठीक है, कि चलो छोड़ो ये सब हुआ है। या फिर आप कोई भी चीज का आंसर जानने की कोशिश करोगे, ये उस चीज का आंसर आपको सही तरीके से नहीं बताएंगे। नेक्स्ट 12 आवर्स में आपको इनका एक फंकी साइड देखने के लिए मिलेगा। लाइक मैं बोल सकती हूँ कि एक ऐसा साइड जिसको देख के आपको फील हो कि ये इंसान ऐसा अभी अभी हुआ है। लाइक आपको थोड़ा खुशी महसूस होगा, या फिर वो कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, आप कुछ फोटोज देखोगे, या फिर वो कहीं फ्रेंड्स के साथ होंगे, कुछ फोटोज देखोगे, तो कुछ ना कुछ इस तरीके से आप देखोगे जरूर। क्या वे मुझे जितना लग रहा है उनका ये सारा एटीट्यूड अभी जो चल रहा है ना इस टाइम पीरियड में, मुझे लगता है कि आपको देख के फील हो रहा होगा कि बस कुछ मेरे शांति के लिए मैं इसको ब्लॉक कर दूं, मैं इसका नंबर डिलीट कर दूं, मैं उसको छोड़ के चले जाऊं, उसको इग्नोर करूं, ठीक है। आई थिंक आप एक इनर पीस की सर्च में हो, और इस इनर पीस आपको कब मिलेगा पता है, जो आप सोच रहे हो वो करोगे, एटलीस्ट टेम्पररी टाइम के लिए आप ये जरूर करो। आपका मूड अगर बार बार खराब हो रहा है तो टेम्पररी टाइम के लिए उनको लेट गो करो, ठीक है। लाइक नंबर डिलीट कर दो, इग्नोर करो, नहीं होगा आपसे 2 दिन, नहीं होगा 3 दिन, नहीं होगा, बस इतना रखो कि मुझे 15 दिन के लिए इनके बारे में नहीं सोचना है, या फिर 15 दिन के लिए मुझे टेंशन नहीं लेना है इसी रिश्ते को लेके, तो ऑटोमेटिकली 16 दिन में आपका टेंशन हल्का हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग लाइफ में आते हैं लेसन देने के लिए, ये पर्सन आपको कोई लेसन देने के लिए आए थे। देखो हार्ट ब्रेक जो होता है ना उसे इंसान मजबूत बनता है, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सबको हार्ट ब्रेक मिले, सब इंसान मजबूत हो, बट अगर हुआ है तो उसको किस तरीके से आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। फिर बाद में वो चीज़ अगर होगी आपके साथ ना, आपको वो तकलीफ नहीं होगी। सेकेंड चीज ये है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग होगा, जैसे होता है ना जेन्युइन स्टार्ट कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जेन्युइनली आप दोनों का नॉर्मल बात होना स्टार्ट हो सकता है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो आपके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड के थ्रू कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आके ये नहीं बोलेंगे कि मुझे तुमसे प्यार है बात कर लो ये वो आपको एक अपना फनी साइड दिखा सकते हैं, फंकी साइड दिखा सकते हैं, आपको फील होगा कि ये इंसान थोड़ा बदला है, ठीक है। तो नेक्स्ट 12 आवर्स में मुझे ये उनका एक्शन डेफिनेटली दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जस्टिस बैलेंस लिब्रा का कार्ड है, और आप दोनों के बीच में काफी सारी चीजें देखो। एक तो आप दोनों के बीच में न्यू स्टार्ट होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, कुछ चीजों को लेके अगर आर्गुमेंट्स होती है वो मेक श्योर करे कि आर्गुमेंट हो और आर्गुमेंट टल जाए, उस वो ही आर्गुमेंट इतना ना खींचे कि लाइक बिल्कुल चीजें सब कुछ बर्बाद हो जाए, ठीक है, समझ रहे हो। तो आर्गुमेंट अगर हो रहा है तो आर्गुमेंट होने के बाद चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करें, या फिर वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे चीजें बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा वो ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है तुम जो बोल रहे हो वो सही है,
अब वो आपको अगर बोले भी ना तो भी कोई इशू नहीं है, उनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आएगा कि ठीक है, क्योंकि उनको एहसास होगा ना कि वो गलत और आप सही, तो किस तरीके से वो अपने आप को फिर जस्टिफाई करेंगे, वो तो नहीं करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस करो, इम्प्रूव, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोलूँगी, अभी कम से कम 1 महीने के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आप मत रखो इस पर्सन से, बट आपके पर्सन का एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। वो जो न्यू स्टार्ट की उम्मीद रख रहे हैं ना, होप उनके अंदर जो है, और वो लाइक जो जितना ओपन होना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में, उस चीज़ के लिए वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप एडजस्ट कर लोगे, बट आप उनसे हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो अंटिल आपको पूरी तरीके से बिलीव नहीं हो जाता है कि ये इंसान मेरा दिल फिर से नहीं तोड़ेगा। ठीक है, और कुछ कार्ड देखते हैं। और अगर अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और ब्रेसलेट कोई भी, आप ब्रेसलेट हाथ में पहनने के लिए, गले में डालने के लिए, या फिर कोई भी एक पेंडेंट डालने के लिए क्रिस्टल का, आप हर तरीके का चीज़ परचेस कर सकते हो। ठीक है, मैं अपनी कम्युनिटी पे डाल दूंगी, इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो आप। आपको जिस तरीके से कोई सुइटेबल होगा आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो क्रिस्टल्स को लेके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मिरेकल। नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट अ मिरेकल, कोई बड़ा मिरेकल, कोई बड़ा चेंज हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ है कि अगर प्रेयर में बिलीव रखते हो तो ज़रूर प्रेयर करो। ठीक है, अगर आपको प्रार्थना में विश्वास है तो ज़रूर प्रार्थना करो, क्योंकि वही आपका 80% चीज़ सही करेगा। बिलीव इन प्रेयर्स, बिलीव इन मिरेकल, ये बात आपने सुना होगा। क्वेस्ट 12 घंटे के अंदर कोई चीज़ होने से रुक सकता है। अगर कोई चीज़ डिले हो रहा है, जैसे आप दोनों का बात होना डिले हो रहा है, या फिर आप दोनों का नज़दीक आना डिले हो रहा है, तो समझ जाओ कि यूनिवर्स कुछ बड़ा प्लान कर रही है। आपके पार्टनर की अगर मैं देखूं तो वो नेक्स्ट 12 आवर्स में आपके सामने आ सकते हैं, अपना कोई चीज़ को लेके एक दुख जाहिर कर सकते हैं, एक तकलीफ जाहिर कर सकते हैं, और कोई चीज़ को आपका गाइडेंस दे सकते हैं, सही तरीके से गाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प कर सकते हैं आपको कोई चीज़ में। कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, आपने सोचा नहीं होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ड्रीम मुझे ये सुनाई दिया बहुत स्ट्रांगली, सो ड्रीम के थ्रू आपको कुछ मैसेज मिल सकता है। कोई पेड़ को काटा गया है, उसका जो स्टेम है ना, अपर पार्ट जो होता है एक बड़ा सा पेड़ को काटने के बाद, अगर आपके घर के आसपास उस तरीके का कोई पेड़ है, वहां पे आपको कुछ मैसेज मिल सकता है। ठीक है, एंजल्स के थ्रू या फिर यूनिवर्स के थ्रू बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए, बट मिलेगा जरूर। नेक्स्ट हमारे पास है विक्टिम। ओके, देखो विक्टिम, मैंने ऑलरेडी बोला है कि वो अपनी गलती मानेंगे, तो विक्टिम का कार्ड यही है कि अपनी गलती मानने के बाद वो ऐसा शो करेंगे जैसे मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। वो विक्टिम जैसा शो करेंगे कि लाइक हाँ मुझसे गलती हुआ है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इंसान हूँ लास्ट में जाके। तो इस तरीके के थोड़ा सा वो एटीट्यूड या फिर थोड़ा सा बिहेवियर वो दिखा सकते हैं, तो मेक श्योर आप उनकी बातों में मत फंसो। ठीक है, नेक्स्ट एक कार्ड देख लेते हैं। सेडक्शन का कार्ड है, हो सकता है कि नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर ये पर्सन बहुत सिड्यूस हो जाए आपको देख के, बहुत ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन हो जाए। ब्यूटीफुल सा कार्ड है, मैं दिखा देती हूँ आपको। नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा लाइक अट्रैक्शन उनको हो जाए, टेम्पटेशन आपको देख के हो जाए, बहुत ही ज्यादा एक जैसे फीलिंग्स होती है ना, आपको भी पता होगा,
किस तरीके से किसी को देख के बहुत अट्रैक्शन हो जाता है, तो हो सकता है कि उनको आपके प्रति वो फील आए जो डेविल एनर्जी होती है, ठीक है, सेक्सुअल अट्रैक्शन की एनर्जी होती है, डेट पे जाना वो चाहेंगे, आपके साथ हुकअप करना चाहेंगे, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हो सकती है बॉन्ड आप दोनों के बीच में नेक्स्ट 12 आवर्स में। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे।